हेलो फ्रेंड्स, 8 और 9 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आप लोगों का सक्सेसमन चैनल में वेलकम करती हूँ। तो हम लोग करेंगे आज 8 और 9 अगस्त को क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ हुआ है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे। ऐसी ही बहुत सी घटनाएं भारत और विदेश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हुई हैं, जिसको हम इस करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। और जैसे सीरीज चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, नई जल्दी सीरीज़ और आने की कोशिश मैं करूँगी, और टाइम टू टाइम अपने जितने भी वीडियोस हैं सारे एज इट इज अपलोड करती रहूंगी। तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आगे अपने करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चैनल के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने के चलते गूगल ने चीन के कितने से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए हैं। तो ये किए हैं 2500 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट। YouTube चैनल के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने के चलते गूगल ने चीन के 2500 से ज़्यादा YouTube चैनल डिलीट कर दिए हैं। अल्फाबेट के मालिकाना हक वाली कंपनी गूगल ने कहा है कि ऐसा चीन से जुड़े इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के लिए चल रही हमारी जांच के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ हुए करार को सस्पेंड कर दिया है, वीवो, रेडमी, ओप्पो या पैनासोनिक। तो आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने अभी नया ही जल्द करार किया था वीवो से, तो ये इन्होंने कैंसिल कर दिया है। और इसी वर्ष IPL की टाइटल स्पॉन्सर वो नहीं होगी, इस वर्ष पहले वो ही थी। और वीवो ने 2018 में 2190 करोड़ रुपये में 5 साल के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप की डील हासिल की थी, तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है, तो ये काम किया है पंजाब कैबिनेट के द्वारा। पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 1,73,823 छात्रों को इस वर्ष नवंबर तक स्मार्टफोन दिए जाएंगे, तो ये पंजाब सरकार की बहुत बड़ी पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन ने किस व्यक्ति के की प्रति को अपने सिक्के पर चित्रित करने की घोषणा की है, तो ये वही व्यक्ति हैं जिनको ब्रिटेन में ट्रेन से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। जी हाँ, महात्मा गांधी। तो आज ये टाइम आया है कि उन्होंने गांधी जी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है। और महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है, तो बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता वैष्णो देवी सहित जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल को कब से खोले जाने की घोषणा की गई है, 10 अगस्त, 16 अगस्त, 22 अगस्त या 31 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर है 16 अगस्त। माता वैष्णो देवी सहित जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल को 16 अगस्त से खोले जाने की घोषणा की गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा 19 मार्च 2020 को बंद कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दी गई थी, मतलब 2020 मार्च में इनकी यात्रा बंद कर दी गई थी, अब 16 अगस्त से खुलने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये थे 83 ईयर्स के। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का 83 ईयर्स में निधन हो गया है, और इनके निधन पे तिब्बती नेता दलाई लामा, प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन, तो याद रखेंगे कि आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं मिशेल मार्टिन हैं, और उन्होंने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल ये थे, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू।
तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिए। उनकी जगह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री और संचार मंत्री रह चुके मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। तो अब याद रखेंगे, सेकंड उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं। और मुर्मू के इस्तीफे को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर कर भी लिया है। और मुर्मू को एक नया पद दिया गया है, इन्हें भारत का कैग बनाया गया है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन आयोजित कराने की मंजूरी दे दी है? तो ये किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन को 10 अगस्त से आयोजित करने की मंजूरी दे दी है, जबकि पहले ही यूनिवर्सिटी को दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए CSE में राइटर्स की सुविधा देने के निर्देश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत के किस ब्रांड को दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पे रैंकिंग मिली है? तो ये मिली है रिलायंस को। तो रिलायंस एप्पल को पीछे छोड़ के सेकेंड नंबर पे पहुंच चुका है। रिलायंस पहली बार इस सूची में शामिल हुआ है और लंबी छलांग लगाते हुए सीधे दूसरे नंबर पे पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य के देवलाली नासिक से देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या उत्तर प्रदेश? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र राज्य के देवलाली नासिक से बिहार के दानापुर तक जाने वाली देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। ये किसानों को जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है भारत के लिए। निम्न में से किस देश के राज्य द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन 12 अगस्त को पंजीकृत होगी? तो सबसे पहली वैक्सीन बनाई है रूस ने। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बना ली है, जो 12 अगस्त को पंजीकृत की जाएगी। और इसी वर्ष अक्टूबर महीने से रूस में व्यापक पैमाने पर लोगों को टीकाकरण का काम शुरू होगा। इस वैक्सीन को लगाने में आने वाला पूरा खर्च जो है वो रूस की सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने भीषण विस्फोट के बाद सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो ये किया है लेबनान सरकार ने। तो चलिए रीजन देख लेते हैं। तो लेबनान की राजधानी बरूत में भीषण विस्फोट के बाद लेबनान सरकार ने 2 सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। साथ ही देश की सेना को व्यापक अधिकार भी दिए हैं। बेरूत में भीषण विस्फोट में 100 लोग से अधिक मारे गए और करीब 4,000 लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने आधुनिक दासता उन्मूलन राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का आकलन पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के द्वारा। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल मतलब कि CHRI ने उन्मूलन आधुनिक दासता राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का आकलन पर रिपोर्ट जारी की है। ये राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल और वॉक फ्री द्वारा व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर जारी किया गया था, जो एक गुलामी विरोधी संगठन है। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं संजय हजारिका और स्थापना हुई थी इसकी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, कौशलेंद्र कुमार या नीतीश कुमार। तो करेक्ट आंसर है विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है और ये बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों और जीवन यात्रा का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का सहकार कॉपट्यूब NCDSC चैनल लॉन्च किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। केंद्रीय किसानों कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 अगस्त को इस पहल की शुरुआत की थी। अब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो NCDC, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
फाउंडेशन इसका हुआ था 13 मार्च 1963 में, और इसका पेरेंट जो डिपार्टमेंट है जिसकी सहायता से चलाया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन है? समीर कुमार, परमेश्वरम अय्यर, जयदीप गोविंद या वी राधा? तो करेक्ट आंसर है परमेश्वरम अय्यर। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक परमेश्वरम अय्यर है, वे पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव भी हैं, और ये पुस्तक आधिकारिक रूप से 4 अगस्त को लॉन्च हुई थी और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। ये पुस्तक मुख्यतः स्वच्छ भारत अभियान का एक पहलू है जिसमें समाज सेवा के प्रति 35 लेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर या लद्दाख? तो करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, 2021 को बनकर तैयार हो जाएगा ये पुल, और पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस पुल की कुल ऊंचाई है 467 मीटर और यह नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा। इसकी डिज़ाइन इस तरह की है कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा को झेल सकता है। चलिए अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्य ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ये बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी है श्रीनगर, और जम्मू श्रीनगर मई से अक्टूबर तक और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक। जिले कुल हैं 20 इसमें। क्षेत्रफल है इसका 42,241 किलोमीटर पर स्क्वायर, और कुल आबादी है यहाँ पर 9,09,44,283। तो आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है आपको हमारी सीरीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सक्सेस मच।